हमीरपुर में पहले दोस्ती और बाद में दुष्कर्म करने के मामले में सेना के कैप्टन पर आरोप लगे हैं। मामले में पीड़िता इंजीनियरिंग की छात्रा ने दुष्कर्म के बाद अब शादी करने से इनकार करने की बात की है, जिस पर हमीरपुर पुलिस थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। वहीं पीड़िता के कुछ फोटो भी आरोपी कैप्टन के पास है, जिस कारण छात्रा सहमी हुई है। आरोपी कैप्टन को पकड़ने के लिए टीम बीकानेर रवाना कर दी गई है। भारतीय सेना में सेवारत एक कैप्टन पर इंजीनियरिंग की छात्रा से दुष्कर्म की शिकायत महिला थाना हमीरपुर में दी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस पीड़िता का डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में मेडिकल करवाया है और पुलिस ने आरोपी कैप्टन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम रवाना कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस वक्त बीकानेर में तैनात है। आरोपी जिला हमीरपुर के तहत आते उपमंडल वडसर का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि आरोपी युवक ने पहले उसके साथ दोस्ती की और बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। एएसपी बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाया है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। शिकायत आई थी जिसमें शिकायतकर्ता जो बड़सर के इलाके से संबंध रखते हैं उसने आरोप लगाया है कि कोई व्यक्ति जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, किस वजह से किसी कारण से शादी नहीं हुई है, तो इनके उसने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने शादी की झांसा देकर इसके साथ गलत काम किया हुआ और इसको फिजिकली इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, तो इन एलिगेशन पर केस रजिस्टर कर लिया है। इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।